हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाउडर कोटिंग डिफेक्ट और उसका हम कैसे सलूशन करेंगे, किस तरह से उसका समाधान करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले हमने दो वीडियो बनाया पाउडर कोटिंग का पूरा प्रोसेस के बारे में और दूसरा हमने एक वीडियो बनाया है सेवन टैंक प्रोसेस पाउडर कोटिंग के। आप दोनों उसको अगर नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें, उससे आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे। आज हम बात करेंगे पाउडर कोटिंग में होने वाले डिफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाउडर कोटिंग होता क्या है। देखिए, जिस तरह से हम लिक्विड पेंटिंग में लिक्विड पेंट को हम स्प्रे करते हैं, उसी तरह से पाउडर कोटिंग में ड्राई पाउडर को हम स्प्रेइंग गन से मेटल के ऊपर में स्प्रे करते हैं और उस मेटल को हम क्यूरिंग करते हैं ओवन में, तो इस प्रोसेस को हम पाउडर कोटिंग करते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो हम स्प्रेइंग गन से यदि हम स्प्रे करते हैं किसी मेटल के ऊपर में, तो वह जो गन है वह इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज होकर के पाउडर निकलता है वहाँ से और वह मेटल के ऊपर में चिपक जाता है। उस मेटल को हम फिर ओवन में 150 डिग्री से लेकर के 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसे गर्म करते हैं, लगभग 15 से लेकर 45 मिनट तक। दोस्तों, यहाँ पर टेम्परेचर और जो मैं टाइम की बात कर रहा हूँ वह मेटल के ऊपर डिपेंड है। यदि हमारा मेटल जो है जिस पर हम पाउडर कोटिंग कर रहे हैं अगर हेवी है, बड़ा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा और उसका टाइम भी ज़्यादा लेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि हमारा जो पाउडर कोटिंग करने के बाद कितने तरह का डिफेक्ट होता है। देखिए, पाउडर कोटिंग जब हमारा जो हम करते हैं उसके बाद बहुत सारे डिफेक्ट हो सकते हैं। इसको हमने चार भागों में बांटा है। एक है कि पाउडर कोटिंग अपीयरेंस इशू, दूसरा है पाउडर कोटिंग एप्लीकेशन इशू, तीसरा है पाउडर कोटिंग फ्लूडाइजेशन इशू और फोर्थ है पाउडर कोटिंग क्यूरिंग इशू। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वह हम बात करेंगे कि पाउडर कोटिंग अपीयरेंस इशू क्या होता है। देखिए, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अपीयरेंस इशू किसे कहते हैं। जब हम पाउडर कोटिंग करते हैं किसी मेटल के ऊपर में और जब हम उसे क्यूरिंग करते हैं ओवन में, तब हम उसके बाद देखते हैं कि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हमें दिखाई देता है, अपीयरेंस होता है, इसे हम अपीयरेंस डिफेक्ट या अपीयरेंस इशू कहते हैं। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है, उसको आइए हम एक एक करके समझते हैं। पहला प्रॉब्लम है पिन होल्स और आउट गैसिंग, दूसरा है ब्लूमिंग, तीसरा है फिश आइस एंड क्रेटर्स, फोर्थ है पुअर कलर एंड ओपेसिटी, फिफ्थ है पुअर फ्लो एंड ऑरेंज पील, सिक्स्थ है सैग्स और सेवन्थ है ग्लोस और एट है फिल्म थिकनेस। दोस्तों, यह टाइप है अपीयरेंस डिफेक्ट का, इसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पिन होल क्या होता है। देखिए, जब हम पाउडर कोटिंग किसी मेटल पर करते हैं तो कुछ एयर जो है मेटल में या तो फिर उसके सरफेस पे एयर ट्रैप हो जाता है और वही एयर जब हम क्यूरिंग करते हैं ओवन में तो वह वेपोराइज होकर के यानी कि वाष्पीकरण होकर के वह बाहर निकलता है और पिन होल जनरेट कर देता है। इस प्रोसेस का हम आउट गैसिंग कहते हैं, यानी कि एयर जो है उसके फिल्म थिकनेस से पिन की तरह पिन होल बना करके बाहर निकलता है। यह एक्चुअली में पिन होल बहुत ही डेंजरस होता है और यह देखने में बहुत ही खराब होता है और इसके साथ साथ यदि उस पर हम एक्शन नहीं लिए तो जहाँ पर पिन होल हुआ रहता है वहाँ पे क्रोजन शुरू हो जाता है और उसमें रस्टेड हो जाता है और हमारा मेटल का सरफेस जो है डैमेज होने लगता है। दोस्तों, आखिर कारण क्या होता है पिन होल का। देखिए, पिन होल का मेनली तीन कारण से होता है। पहला है कि यदि पार्ट आपका इनप्रॉपर क्लीनिंग हो तो, यानी कि अगर क्लीनिंग सही ढंग से नहीं हुआ हो, प्री ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं हुआ है तो पिन होल हो सकता है। दूसरा है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि किस टाइप के हम प्रोडक्ट पर हम पाउडर कोटिंग कर रहे हैं, करने का मतलब यदि कास्टिंग पे कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर आपको पिन होल मिलता है। तीसरा है कि यदि आपका जो फिल्म थिकनेस है यानी कि जो हम पाउडर कोटिंग का थिकनेस जो है वह यदि हेवी हो एवरेज से तो उसमें पिन होल होने का ज़्यादा चांस है। देखिए, यह इस फोटो में आप देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पिन होल हुआ पड़ा है। आइए अब हम इस तीनों कारणों का हम ठीक से डिटेल में समझते हैं और उसका क्या सलूशन है, क्या उसके रेमेडीज है, क्या हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला, जैसे हमने बताया कि पिन होल ड्यू टू इनप्रॉपर क्लीनिंग, यानी कि हमारा अगर पार्ट क्लीनिंग सही ढंग से नहीं है तो उसमें पिन होल हो सकता है। इसका कारण क्या है?
देखिए, यदि सरफेस के ऊपर में यानी मेटल के सरफेस के ऊपर में ग्रीस लगा हो, सॉल्वेंट लगा हो, ऑयल लगा हो या मोल्ड रिलीजिंग एजेंट्स हो, किसी भी प्रकार का उस पर कॉन्टामिनेशन लगा है, तो वह जब हम उसके ऊपर में जब हम पाउडर कोटिंग कर देते हैं और उसको जब हम क्यूरिंग करते हैं, तो उसमें जो ट्रैप्ड हुआ जो गैस है यानी जो एयर है वह वेपोराइज होकर के यानी कि वाष्पीकरण होकर के बाहर निकलने लगता है और पिन होल का डिफेक्ट दिखने लगता है। तो इसका उपाय क्या है? सबसे पहले तो इसमें हम यही करेंगे कि जो भी हम पार्ट को क्लीनिंग कर रहे हैं, सॉरी पार्ट को जो पाउडर कोटिंग कर रहे हैं उसको प्रॉपर ढंग से क्लीनिंग होना चाहिए। दोस्तों, प्रॉपर क्लीनिंग करने का मतलब कि आप सेवन टैंक प्रोसेस के द्वारा अच्छी ढंग से उसको क्लीनिंग करें। कभी कभी क्या होता है कि हम सफाई सही ढंग से करते हैं फिर भी उसमें पिन होल दिखने लगता है, तो इसका ये कारण है कि जो हम सेवन टैंक का प्रोसेस जो है सही ढंग से फॉलो नहीं किए हैं। तो आप सेवन टैंक प्रोसेस को अच्छी ढंग से फॉलो कीजिए, यदि ज़रूरत पड़े तो एक्स्ट्रा टैंक और उसमें ऐड कर सकते हैं क्लीनिंग करने के लिए। मेन हमारा मकसद है कि हम पार्ट को नीट एंड क्लीन रखें पाउडर कोटिंग करने के पहले। आइए हम दूसरा पिन होल का ही कारण देखते हैं। दूसरा जो कारण है पिन होल ड्यू टू नेचर ऑफ प्रोडक्ट। देखिए, यदि हमारा प्रोडक्ट कास्ट मेटल का बना रहता है यानी कास्टेड रहता है जैसे कि कास्ट स्टील का, कास्ट आयरन का या कास्टिंग किया हुआ एल्यूमिनियम का या फिर ब्रास का, यह जो रहता है तो कास्टिंग में होता क्या है कि मेटल के अंदर में एयर ट्रैप रहते हैं मेटल के अंदर में कास्टिंग करते समय, और वह एयर जो है जब हम पाउडर कोटिंग करने के बाद क्यूरिंग करते हैं तो वह गैस के रूप में निकलता है जो पिन होल जनरेट करता है। और दूसरा जो कारण है कि यदि कोई मेटल जिंक सरफेस प्लेटेड ट्रीटमेंट पहले से हुआ है और उसके ऊपर में अगर हमें पाउडर कोटिंग करना है, तो जब जिंक सरफेस ट्रीटमेंट पार्ट के ऊपर में एयर ट्रैप रहते हैं और उसे हम पाउडर कोटिंग करते हैं, तो वह पाउडर कोटिंग करने के बाद जब हम क्यूरिंग करते हैं तो उसमें पिन होल के रूप में गैस बाहर निकलने लगता है और पिन होल हो जाता है। तो दोस्तों, दोनों का एक ही उपाय है कि जब भी आप कोई भी पार्ट कास्टिंग किया हुआ पार्ट है तो उसको पाउडर कोटिंग करने के पहले उस पार्ट को पहले आप हीट कीजिए। हीट कितने पर करना है? जो हम ओवन में जो टेम्परेचर पर हम करते हैं उससे थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा बढ़ा करके उसको हीट कीजिए और उसके टेम्परेचर को कुछ देर तक रखिए, उसके बाद उस पर पाउडर कोटिंग कीजिए, आपको इस टाइप का पिन होल नहीं मिलेगा। तीसरा जो इसका जो हमने कारण बताया कि पिन होल ड्यू टू फिल्म थिकनेस, यानी कि यदि हम जो पाउडर कोटिंग का थिकनेस है यदि हम ज़्यादा एवरेज से ज़्यादा हम कर देते हैं तो भी उसमें एयर ट्रैप्ड हो जाते हैं और वह जब हम क्यूरिंग करते हैं तो उसमें बाहर निकल करके पिन होल जनरेट कर देते हैं। तो इसके लिए यह है कि आप कभी भी पाउडर कोटिंग करें तो उसका जो थिकनेस है वह पतला रखें और प्रॉपर रखें, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना करें। यदि कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि ज़्यादा थिकनेस करने का तो आप 2 or 3 times पतला पतला लेयर चढ़ाएं जिससे कि वह उसमें पिन होल ना हो, एक बार में मोटा लेयर ना करें। तो यह पिन होल का जो प्रॉब्लम है तीन कारण है और तीनों कारण का हमने उसका उपाय बताया कि किस तरह से हम दूर कर सकते हैं। आइए जो अपीयरेंस है जो दूसरा है डिफेक्ट है वह है ब्लूमिंग का। ब्लूमिंग किसे कहते हैं? देखिए, जब हम पाउडर कोटिंग करने के बाद जब हम ओवन में गर्म करते हैं तो हमें जब निकालते हैं ओवन से तो पार्ट में हमें फोगी टाइप का यानी कि स्मोकी टाइप का धुआं जैसा दिखता है, तो उसे इस प्रॉब्लम को हम ब्लूमिंग कहते हैं। ब्लूमिंग आखिर क्यों होता है? देखिए, इसके दो कारण हैं। एक तो कारण है कि यदि आपका रेजिन का क्वालिटी जो है अगर सही नहीं है तो ब्लूमिंग होगा। दूसरा कारण यह है कि यदि आपका हेवी मेटल के ऊपर में यदि आपने पाउडर कोटिंग किया है और उसको क्यूरिंग करने के लिए बहुत ही लो टेम्परेचर पर उसको क्यूरिंग कर रहे हैं तो आपका ब्लूमिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। इसका उपाय क्या है? सबसे पहले तो यदि आपका रेजिन यूज कर रहे हैं यदि वो पुअर क्वालिटी का है तो आप अपने सप्लायर से बात कीजिए बेटर रेजिन के लिए। दूसरा जो इसका समाधान ये कर सकते हैं कि यदि आपका जो पाउडर कोटिंग हेवी सबस्ट्रेट यानी कि जो पार्ट है हेवी है और उसका जो टेम्परेचर जो है आप क्यूरिंग करते समय लो है तो उसको आपको हाई करना पड़ेगा जिससे कि आपका वो क्यूरिंग सही ढंग से हो सके। तो दोस्तों, ये रहा दूसरा टाइप का आपका अपीयरेंस डिफेक्ट। आइए जो तीसरा जो है वह है फिश आई एंड क्रेटर्स,
ये किसे कहते हैं? देखिए, जब आप पाउडर कोटिंग करके ओवन से निकालते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि उस पर स्पॉट मार्क का दिखाई देता है, जिसपे लगता है कि फिश यानी कि मछली की आंखें की तरह बूंदा बूंदा उसमें लगा हुआ रहता है। उस स्पॉट को हम फिश आई एंड क्रेटर्स कहते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, इसमें यदि आपके जो जिस मेटल को आप कर रहे हैं उस मेटल पे यदि कोई ऑयल हो या सिलिकॉन हो या वाटर का कुछ मॉइस्चर हो या फिर पाउडर के अंदर ही या एयर में यदि इस टाइप का यदि कोई मॉइस्चर है तो इस टाइप का प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है। तो इसके लिए संविधान क्या है? इसके समाधान ये है कि जो भी आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं आप इंश्योर हो जाइए कि उसमें कोई भी तरह का ऑयल या सिलिकॉन या वाटर का कंटेंट नहीं हो, और जो आप एयर यूज़ कर रहे हैं वह ड्राई एंड नीट एंड क्लीन हो, यानी कि जो हम एयर यूज़ करते हैं उसमें मॉइस्चर ना हो। तो इस तरह से आप फिश आई और क्रेटर्स का प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं जो फोर्थ जो है पुअर कलर एंड ओपेसिटी का। पुअर कलर एंड ओपेसिटी किसे कहते हैं? देखिए, यह पिगमेंटेशन से रिलेटेड है। हमें आपने देखा होगा कि जब हम क्यूरिंग करके बाहर पार्ट को निकालते हैं तो उसका कलर जो है अनइवन रहता है, कहीं गाढ़ा कहीं कम कहीं पतला इस टाइप का आपको दिखता है और जैसे लगता है कि कलर शिफ्टिंग हो गई है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को हम पुअर कलर एंड ओपेसिटी कहते हैं। इसका दो कारण हो सकता है। एक तो है कि यदि ओवर बेकिंग हो रहा है, ओवर हीटिंग हो रहा है तो इस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा कारण है कि सप्लायर कॉस्ट को बचाने के लिए पाउडर में से जो पिगमेंटेशन है वो कम कर देता है, जिसके चलते आपका यह प्रॉब्लम हो सकता है। इसका उपाय क्या है? उपाय देखिए, इसमें है कि आपका टेम्परेचर ओवन का जो है वो मेंटेन करके रखना है और टाइम का, और दूसरा जो है कि अपने सप्लायर से बात कीजिए पाउडर का क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। तो यह रहा फोर्थ आपका पुअर कलर एंड ओपेसिटी का। आइए दोस्तों हम बात करते हैं फिफ्थ जो है पुअर फ्लो एंड ऑरेंज पील का। ये किसे पुअर फ्लो एंड ऑरेंज पील किसे कहते हैं? जब हम ओवन से पार्ट को निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि स्मूथनेस जो उसका सरफेस का स्मूथनेस है वो सही नहीं रहता है। इस प्रॉब्लम को हम ऑरेंज पील कहते हैं। यह क्यों होता है? देखिए, इसके तीन कारण हैं। एक तो है कि यदि आपका जो फिल्म थिकनेस है वह ज़्यादा ही मोटा होगा तो ऑरेंज पील हो सकता है। दूसरा कारण है यदि आपका ग्राउंडिंग जो है अर्थिंग जो है वह सही नहीं है तो ऑरेंज पील हो सकता है। तीसरा कारण है यदि आपका जो स्प्रेइंग गन का डिस्टेंस जो है सबस्ट्रेट से यानी कि पार्ट से आप ज़्यादा क्लोज करके करते हैं तो आपको ऑरेंज पील हो सकता है। तो इसका उपाय क्या है, इसको दूर कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको जो फिल्म थिकनेस को मेंटेन करना पड़ेगा, यानी ज़्यादा मोटा नहीं करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ जो है कि यदि आपका जो गन है स्प्रेइंग गन है वह पार्ट के सरफेस से डिस्टेंस जो है 6 से 8 इंच तक आपको मेंटेन करके रखना है, और आप चेक कीजिए कि जो भी आपका ग्राउंडिंग हुआ है अर्थिंग हुआ है वह सही ढंग से है कि नहीं, और उसके बाद आपको केवी और माइक्रो एम्पियर को भी चेक करना है, करंट को भी चेक करना है। तो इस तरह से आप पुअर फ्लो एंड ऑरेंज पील को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद जो सिक्स्थ है वो सेक्स है। सेक्स क्या है? देखिए, जिस तरह से एक्चुअली जनरली जो ये प्रॉब्लम जो है वह लिक्विड पेंट में होता है, लेकिन कभी कभी पाउडर कोटिंग में भी ऐसा हो जाता है। ये इस प्रॉब्लम को कैसे होता है? देखिए, जब हमारा पार्ट जब हम उस पर पाउडर कोटिंग करते हैं और उसको जब हम गर्म करते हैं तो वह फ्लूड के रूप में वह बहने लगता है और वह बह करके एक साइड में दिखाई देने लगता है। इस प्रॉब्लम को हम सेक्स प्रॉब्लम कहते हैं। इसका कारण क्या है कि जब हम पाउडर कोटिंग करते हैं और उसको जब हम क्यूरिंग करते हैं तो उसमें जो टेम्परेचर ज़्यादा होने के चलते वह एक साइड से पिघल करके पाउडर दूसरे साइड में आने लगता है, फ्लो होने लगता है। दूसरा इसका कारण यह है, यदि हम ज़्यादा कभी कभी क्या होता है कि हम पार्ट को गर्म करके और उस पर जब हम पाउडर कोटिंग करते हैं जब अप्लाई करते हैं तो उसी समय यह सैगिंग का प्रॉब्लम आने लगता है। तो इसका उपाय क्या है? हम इंश्योर ये करेंगे कि जो भी टेम्परेचर है उसको सही ढंग से मेंटेन करके रखें, और जो पार्ट का जो सबस्ट्रेट है यानी कि जो हमारा पार्ट है वह ज़्यादा गर्म होने के बाद ज़्यादा हीट पे उसको ना करें, जिससे कि यह सैगिंग का प्रॉब्लम हो रहा हो। तो इस तरह से आप सैगिंग का प्रॉब्लम
दूर कर सकते हैं। जो सेवेंथ है ग्लोस का, देखिए ग्लोस किसे कहते हैं, ग्लोस या फाइनल टच होता है जिसे ग्लोसिंग के रूप में अगर कस्टमर मांगता है कि चमक उसमें रहनी चाहिए उस तरह से हम उसको करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ग्लोसिंग जो है वह खराब हो जाता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाता है और कहीं कहीं तो ग्लोसिंग रहता ही नहीं है। यदि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर ग्लोसिंग नहीं मिलता है तो कस्टमर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसका कारण क्या है, सबसे पहले है हीटिंग का। यदि आपका जो ओवर हीटिंग हो जाता है क्यूरिंग के समय में तो ग्लोसिंग वहाँ का ख़त्म हो जाता है यानी खराब हो जाता है। दूसरा कारण यह है कि यदि आप एक ही मशीन से दो प्रोडक्ट बिना उसको क्लीनिंग किए अगर करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम इस टाइप का आ सकता है। तो इसका उपाय क्या है, सबसे पहले तो आपको टेम्परेचर, ओवन टेम्परेचर आपको मेंटेन करके रखना है। और दूसरा जो है कि जो आप इंश्योर रहे कि जो भी इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो थोरोली क्लीनिंग होना चाहिए और उसका जो भी स्टैंडर्ड के अनुसार जो हम होसेस है या फिर उसका इक्विपमेंट है वो साफ करके रखना चाहिए। तो इस तरह से आपको ग्लोसिंग का प्रॉब्लम आप दूर कर सकते हैं। आइए दोस्तों, जो एट है लास्ट जो है वो फिल्म थिकनेस एपीयरेंस इशू है। इसमें क्या होता है कि यदि हमारा जो फिल्म का थिकनेस है वो अनइवन हो यानी कि कहीं ज़्यादा कहीं कम होने दिखता है क्यूरिंग के बाद, तो इस प्रॉब्लम को हम अनइवन डिस्पर्जल ऑफ पाउडर कहते हैं यानी कि फिल्म थिकनेस का अपीयरेंस इशू कहते हैं। इसका कारण क्या है, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि गन जो है वह कभी ज़्यादा और कभी कम जो है वह स्प्रे करता है जिसके चलते वह रिजल्ट अनइवन डिस्पर्जल हो जाता है पाउडर कोटिंग का सरफेस के ऊपर में। तो इसका उपाय क्या है दूर करने के लिए, इसका चार उपाय है। पहले तो सबसे पहले तो आप देखिए कि इक्विपमेंट का जो रेगुलर जो है उसका प्रोसेस है या उसका इक्विपमेंट जो भी है उसको आपको किसी तरह से चोक नहीं होना चाहिए यानी कि कहीं बंद नहीं होना चाहिए, रुक रुक के उसमें पाउडर नहीं आना चाहिए। दूसरा है कि आपको चेक करना है कि गुड ग्राउंड हुआ है कि नहीं यानी कि अर्थिंग साइकिल से हो रहा है कि नहीं। तीसरा चीज़ देखना है कि जिसमें आपको पाउडर कोटिंग करना है उसको अगर हुक से आप उसको लटका के रखे हैं तो आपको चेक करना है कि मेटल टू मेटल हुक का जो है कॉन्टैक्ट साइकिल से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और इसका फोर्थ जो इसका दूर करने का उपाय है कि जो आप चेक कीजिए कि जो स्प्रेइंग हो रहा है वह बराबर ढंग से फ्लूडाइजेशन हो रहा है कि नहीं यानी कि एक तरह से कंसिस्टेंटली लेयर उससे बन रहा है कि नहीं। तो ये चार चीज़ जो है आप चेक करके आपको फिल्म थिकनेस अपीयरेंस इशू को क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो है आपको ऑपरेटर को ट्रेनिंग करके या फिर इक्विपमेंट को सही ढंग से मेंटेन करके और पाउडर का जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करके आपको हद तक पाउडर कोटिंग का प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि इस तरह से वीडियो आपको सबसे पहले इंटीमेशन मिले। और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें जिससे उन्हें भी कुछ सीखने को मौका मिले। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।